हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आयुर्वेदा एंटीबायोटिक चैनल। एज यू नो, मैं हूं ममता। क्या आपने आज तक हार श्रृंगार के बनी हुई चाय पी है? ये किसी भी तरह का बुखार हो, इसकी चाय बहुत ही फायदेमंद होती है। इसके फूल, बीज, छाल स्वास्थ्य संबंधी सौंदर्य के उपचार के लिए, या फिर आप जानते ही होंगे इसके चमत्कारिक औषधीय गुण और भी बहुत सारे हैं जोड़ों के दर्द के लिए। इसके फूल, पत्ती, छाल और बीज सभी कुछ बहुत उपयोगी हैं। और इसकी चाय ना केवल स्वाद के लिए बेहतरीन होती है, बल्कि इसके गुणों से भी भरपूर होने के कारण यह किसी भी तरह का बुखार हो, डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया ही क्यों ना हो, जी हाँ, हर तरह के बुखार को खत्म करने की क्षमता होती है इसमें। चाहे तो इसे गर्म पी सकते हैं, या फिर इसे ठंडा करके छान कर इसमें शहद या मिश्री मिलाकर भी पी सकते हैं, क्योंकि ये खांसी के लिए भी फायदेमंद है। थोड़ी सी गुनगुनी पिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसकी पत्तियाँ, हार श्रृंगार के 2 पत्ती और 4 फूल 5-6 कप पानी में उबाल कर 5 कप चाय आसानी से बनाई जा सकती है। इसमें दूध इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है, यह आपकी स्फूर्ति के लिए बहुत ही बेटर होती है। जोड़ों के दर्द के लिए, जी हाँ, आपके अगर जोड़ों में दर्द रहता है तो 6-7 पत्ते तोड़कर इन्हें पीस लें, और पीसने के बाद इस पेस्ट को पानी में उबालकर तब तक उबालें जब तक कि पानी आधा ना रह जाए। अब इसे छान कर ठंडा करके खाली पेट पिए। नियमित रूप से इसका सेवन करने से जोड़ों से संबंधित अन्य समस्याएं भी आपकी समाप्त हो जाएंगी। खांसी हो या सूखी खांसी हो, हार श्रृंगार के पत्तों से उबला पानी पीने से बिल्कुल ही खत्म की जा सकती है। आप चाहे तो इसे सामान्य चाय की तरह उबाल कर पी सकते हैं, या फिर पीस कर इसमें शहद का उपयोग भी कर सकते हैं। साइटिका के दर्द के लिए 2 कप पानी हार श्रृंगार के लगभग 8 से 10 पत्तों को धीमी आंच पर उबालें, और आधा रह जाने के बाद इसे आंच से उतार लें, और ठंडा होने पर सुबह शाम खाली पेट पिए। 1 सप्ताह तक अगर आप पियेंगे तो आपको फर्क महसूस होगा। बहुत कम वक्त होता है। थोड़ी थोड़ी मैंने आपको टैगलाइन भी दी हुई है इसमें, अगर आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलेगी, जो मैं नहीं बता सकती हूँ कई बार कम टाइम की वजह से, उसे मैं आपको टैगलाइन के थ्रू लिख देती हूँ। हृदय रोगों के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है। इसकी 15 से 20 फूलों के रस का सेवन अगर आप सुबह सुबह करते हैं तो ये आपको हृदय रोगों से बचाने में भी काफ़ी कारगर। ये फूल आपकी स्किन के लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। आप त्वचा संबंधी समस्याओं में भी इसके फूलों का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं। आपका चेहरा चमकदार और रंग उजला होगा। मांसपेशियों में दर्द रहता है, खिंचाव महसूस होता है, तो हार श्रृंगार के पत्तों के रस को बराबर मात्रा में अदरक का रस मिलाकर पीने से फायदा होगा। अस्थमा या सांस संबंधी रोगों में और भी हार श्रृंगार की छाल को चूर्ण बनाकर पान के पत्ते में डालकर खाने से लाभ होगा। इसका प्रयोग सुबह और शाम को किया जा सकता है। हार श्रृंगार के पत्तों का रस, जी हाँ, या इसकी चाय बनाकर अगर आप नियमित रूप से पीते हैं, शारीरिक रोग की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, और शरीर में हर प्रकार से रोगों से लड़ने की क्षमता में सक्षम हो जाता है इंसान। और इसके अलावा पेट के कीड़ों का मरना, गंजापन, स्त्री रोग विशेषज्ञ में बेहद ही फायदेमंद है ये। वैसे भी हमारे हिंदू धर्म में हार श्रृंगार की बहुत ही महत्व है। इसे ईश्वर की आराधना में भी एक खास स्थान प्रदान किया गया है। इसके फूल ईश्वर की आराधना में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसे उर्दू में गुलजाफरी कहा जाता है। हार श्रृंगार का यह वृक्ष रात की रानी के नाम से भी कई लोग जानते हैं, क्योंकि इसके पुष्प रात के समय खिलकर वातावरण को सुगंधित करते हैं और सुबह होने पर ही झड़ जाते हैं। सूर्य की पहली किरण के साथ ही इसके फूल झड़ जाते हैं, जी हाँ। और झाड़ीनुमा पौधा होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ये 10-12 फुट का, ये 15 फुट भी हो सकता है, और इससे फाली, शिवली आदि नामों से भी जाना जाता है। इसके फूलों से एक सुगंधित तेल होता है। रंगीन पुष्प नलिका में निक्टेथिन नामक एक द्रव्य ग्लूकोसाइड के रूप में 0.1% होता है, जो केसर में स्थित क्रोसेटिन के सदृश ही होता है। इसके बीच मज्जा से 12 से 16% पीले भूरे रंग का स्थिर तेल निकलता है। पत्तों में टैनिन एसिड, मैथिल सैलिसिलेट, एक ग्लाइकोसाइड, 1% मैनिटॉल और 1.3% एक राल, जी हाँ, और 1.2% उड़नशील तेल, विटामिन सी और विटामिन ए पाया जाता है। छाल में एक ग्लाइकोसाइड और छाराव होते हैं। हार श्रृंगार, पारिजातक और भी बहुत से नाम हैं इसके,
अब इतने नामों में तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, आपको कहीं भी मिल जाएंगे, जैस्मिन, मैथिली, सिंगार, सिंगार हार, हार सिंगार के ऊपर बहुत सारे उपन्यास और लेख और कविताएँ भी मिल जाएंगी। वैसे ही गठिया रोग के लिए 6 से 7 पत्ते को तोड़कर इन्हें पीस लें और इसका पेस्ट बनाकर पानी में डालकर उबालें, और जब इसकी मात्रा आधी रह जाए तो इसे ठंडा करके प्रतिदिन पिए सुबह खाली पेट। नियमित रूप से इसका सेवन करने से वर्षों पुराना गठिया भी निश्चित रूप से लाभ हो जाता है उसमें भी, और वो ठीक हो जाता है। बवासीर के लिए हार श्रृंगार के बीज जो है रामबाण औषधि माने गए हैं। इसके एक बीज का सेवन प्रतिदिन किया जाए तो बवासीर रोग ठीक हो जाता है। यदि गुदा द्वार में सूजन या मस्से हों तो हार श्रृंगार के बीजों का लेप बनाकर गुदा पर लगाने से लाभ हो जाता है। आप में से किसी को गंजेपन की बीमारी है तो हार श्रृंगार के बीजों को पीसकर, जी हाँ, इसका पेस्ट बना लें और पेस्ट को 30 मिनट तक गंजे सिर पर लगाएं। इसके लगातार 21 दिन तक के प्रयोग से अत्यधिक लाभ होगा। बुखार की समस्या है तो हार श्रृंगार की पत्तियों की चाय बनाकर पीना आपके लिए बेहद ही फायदेमंद होगा। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया मैं पहले भी बता चुकी हूँ आपको, लेकिन अगर आप ऐसे नहीं ले सकते हैं, आपको एक्स्ट्रा सर्दी जुकाम भी है, तो इसमें 2 चम्मच अदरक का रस भी मिला लें और 2 चम्मच शहद मिलाकर गुनगुना करके बुखार में इसे पिए तो आपको बहुत ही लाभ होगा। स्त्री रोग में हार श्रृंगार की 7 कोंपलें नई पत्तियाँ होनी चाहिए और 5 काली मिर्च के साथ पीसकर प्रातः खाली पेट सेवन करने से विभिन्न स्त्री रोगों में लाभ मिलता है। साइटिका में 2 कप पानी हार श्रृंगार में 8-10 पत्ते को छोटे बड़े टुकड़े करके धीमी धीमी आंच पर पकने के लिए रख दें और जब आधा रह जाए तो इसे ठंडा कर इस काढ़े को पिएं। इसका प्रतिदिन सेवन करें खाली पेट और आप शाम को भी इस काढ़े को पी सकते हैं। कम से कम ये प्रयोग आप 21 दिन तक तो अवश्य ही करें। साइटिका का रोग जो है इतनी आसानी से जाता नहीं है, इसका आप काढ़ा बनाकर रख भी सकते हैं, अपने फ्रिज में स्टोर करके भी रख सकते हैं, परंतु अगर आपको आसानी से कहीं से ताज़ा मिल जाती है लीप, आजकल तो हर घर में पेड़ खड़े होते हैं, तो आप ताज़ा ही बनाकर पिए तो ज़्यादा बेटर है। इसके जो है पत्तियाँ जो है त्वचा रोग के लिए भी काफ़ी फायदेमंद होती हैं, त्वचा संबंधी रोगों में भी आप इसके लाभ मिलता है। तो आप इससे तेल भी बना सकते हैं, हार श्रृंगार के फूल का पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगा सकते हैं, श्रृंगार के पत्तों का रस, जी हाँ, इसका रस मिला शहद में मिलाकर चाटने से पेट के कीड़े मर जाते हैं 2-3 दिन में ही। और अगर आपको हार्ट संबंधी कोई प्रॉब्लम है तो हार श्रृंगार जो है इसका फूल जो है हृदय के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके फूलों का 15-20 फूल ले लें आप, इन फूलों का रस निकालकर सुबह जो है हृदय रोगियों को पिलाएं। हार श्रृंगार के फूलों का प्रयोग करें, इससे बचाने में हृदय रोगियों को कारगर है। ये कहते हैं कि प्रतिरोधक क्षमता को ये आपकी बढ़ाता है। अगर इसका आप काढ़ा पीते हैं तो आपके मांसपेशियों में खिंचाव होने वाले दर्द को भी इसके पत्तों के रस में अदरक मिलाकर पीने से फायदा होता है। इसके फूलों को भी ठंडे दिमाग वालों को शक्ति देता है और गर्मी को कम करता है, जी हाँ। और ये अस्थमा जैसी सांस संबंधी बीमारियों में भी इसकी छाल का चूर्ण बनाकर पीने से लाभ होता है। इसको आप खांसी में इसका जो है ना इसके चम्मच तने की छाल का चूर्ण बना लें और उसको आप चाहे तो ऐसे ही चूस सकते हैं, नहीं तो प्रतिदिन इसका चूर्ण बनाकर रख लें और उसे शहद में मिलाकर चाट लें। आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, इनका मकसद है मतलब कि इसका प्रयोग करना इसकी छाल का खांसी में। इसकी 2-3 पत्तियों को पीस कर छाल को बराबर आप उसका रस निकाल लें और सूखी खांसी में शहद के साथ मिलाकर सेवन करें, तब भी आपको लाभ होगा। और गुनगुने पानी में ही लें, ठंडा पानी ना पिए। अगर आपको खांसी में ये फ़ायदा ना कर रहा हो तो इसके शहद या मिश्री मिलाकर ले लें, खाली ना पी सकते हो तो। वैसे इसका लगातार सेवन करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। आपके शरीर में जोड़ों में कहीं भी दर्द रहता हो तब भी ये काढ़ा आपको फ़ायदा करेगा। इसको काढ़ा कहिए, चाय कहिए, एक तरह से ये स्फूर्तिदायक और दर्द निवारक है, जी हाँ। और सौंदर्यवर्धक भी है। आप इसके फूलों का पेस्ट को जो है मैदे और दूध में मिलाकर उबटन तैयार कर सकते हैं। प्रतिदिन लेप करने से 30 मिनट लेप करने के बाद इसे स्नान करें, त्वचा में निहार आएगा। इसके तेल से मसाज करने से त्वचा में लचीलापन और सॉफ्ट और नमी बरकरार रहेगी। हार श्रृंगार का कोई नुकसान नहीं है, कहते हैं कि इसके नुकसान और फायदे होते हैं। अगर किसी औषधि को माना जाए दवाई के रूप में तो उसका ज़्यादा उपयोग किया जाए तो नुकसान होता है, और अगर तरीके से लिया जाए तो नहीं होता है। इसका कोई फूल गर्म स्वभाव का होता है, कोई ठंडे स्वभाव का होता है। ये खांसी वालों के लिए थोड़ा
हानिकारक हो सकता है अगर ठंडे स्वभाव का है तो, क्योंकि खांसी में हम गर्म चीज़ ही किसी को दे सकते हैं, ठंडी नहीं दे सकते। अगर आपके बालों में डैंड्रफ है तो आप 50 ग्राम हार श्रृंगार के बीज लेकर 1 लीटर पानी में उबाल कर उससे सर धोए तो आपकी रूसी समाप्त हो जाएगी। मैं इसी तरह की रेमेडी आपके लिए कराती हूँ। मेरे वीडियो को पूरा अवश्य देखें और लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें।